गौकसी की सूचना मिलते पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। सूचना पर भारी पुलिस प्रशासन के साथ SDM व चिकित्सक मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंची टीम को पशु का सर कटा मिला शव। चिकित्सक ने पशु के सर कटी शिव का पीएम कर पुलिस ने किया शव को दफन। मौके पर पहुंची टीम ने मीडिया कर्मियों से करती रही आनाकानी। भाजपा नेता नरेंद्र पांडे ने कहा, सूचना के बावजूद भी पहुंचती पुलिस प्रशासन लेट से। पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के द्वारा डाला जा रहा है पर्दा। बड़ा सवाल, योगी सरकार ने में गौकसी के रोक के बावजूद कैसे हो रहा है गोकशी। योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद धनघाटा पुलिस प्रशासन गौकसी के रोकथाम में हो रहा है फेल। धनघाटा थाना क्षेत्र के नेतवापुर के चौराहे का मामला। ये नेतवापुर चौराहा है धनघाटा थाने से करीब 5 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण साइड में, और यहाँ पे लोगों के द्वारा बताया गया गोकशी हुई है। और हम लोग पहुँचे यहाँ पे, मैं पहुँचा, माननीय पीएन सिंह हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष हैं, वेद प्रकाश गौतम, ज्योत लाल जी, सौरू जी, और ऐसे तमाम लोग हमारे कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र के दूर दराज के लोग पहुँचे, और करीब हजारों की संख्या यहाँ पे मौजूद थी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि यहाँ पे गोकशी हुई, और माननीय नवनियुक्त अध्यक्ष द्वारा बताया गया, बताने के 2 घंटे के बाद यहाँ पुलिस और प्रशासन पहुँचा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोकशी की सूचना देने के बावजूद भी अगर कार्रवाई न हो तो इससे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है और अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है।